ईसा मसीह हुए हैं वो सारे के सारे इस सीक्रेट को जानते थे, लेकिन ये सीक्रेट आज से पहले किसी को नहीं बताया गया और अब ये सीक्रेट सभी लोगों को पता लग रहा है धीरे धीरे। और जिनको पता लग रहा है और जो लोग इसको फॉलो कर रहे हैं वो अपनी जिंदगी में बहुत बेहतरीन परिणाम देख रहे हैं। जो सीक्रेट में आपने देखा उसको यदि आप अपनी जिंदगी के अंदर फॉलो करते हैं, मैं कहता हूं कि इसमें कोई शक नहीं है कि आप बहुत चंद समय में, बहुत कम समय में उन ऊंचाइयों पर रहेंगे जिन ऊंचाइयों पर लोग खुद जाना चाहते हैं। फिर से हम आएंगे टॉपिक पर जो हमारे अध्ययन की बात थी, उसके बाद में मैं आपको एक सबकी एक्टिविटी कराऊंगा। आई विल टेल यू अबाउट ए एक्टिविटी ऑफ ए ड्रीम, आपको ड्रीम की एक्टिविटी के बारे में बताऊंगा जो बहुत जरूरी है हम सबके लिए। पीपीटी फाइल जो है लगाइए पहले जी। हम जो है बात कर चुके थे ये ऑफ यस हम जो है बात कर चुके थे मनोरंजन के बारे में, मन को कब्जे में रखने के लिए बात चल रही थी मन के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया था कि मन जो है वो एक बहुत ही बच्चे की तरह हमारे साथ रहता है। छोटा सा मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं, मैं जब पढ़ता हूं तो मेरा मन उछल कूद करता है, मैं जब पढ़ता हूं तो मेरा मन जो है वो मेरा पढ़ाई में नहीं लगता है, ये एक कॉमन सा सेंटेंस रहता है। और ये मैं बता दूं ये सिर्फ उन लोगों का सेंटेंस है जो हारने वाले हैं, जो कभी भी एक टॉप लेवल पे नहीं रह सकते, ये उनका सेंटेंस रहता है। और जो टॉप लेवल पे रहते हैं, इट मीन मैंने कई इंटरव्यूज पढ़े हैं, उन आईएएस के इंटरव्यूज में उन्होंने बताया कि सर सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि हमारे जो मन होता है उसको किस प्रकार से कब्जे में रखा जाए ये हम सीख चुके हैं, क्योंकि हमारा मन है वो एक बच्चे की तरह है, हम इसको आइसक्रीम खिला देते हैं, हम इसको एल्पेन लिवे खिला देते हैं। मैं कहता हूं कि आपको क्या चाहिए, कि मुझे अभी क्या चाहिए बोलो आप, कि मुझे अभी थोड़ा सा बाहर घूम के आना है। नहीं बिल्कुल नहीं जाना है। क्यों बिल्कुल नहीं जाना है? मन पूछता है जी क्यों नहीं जाना है जी, वाय, कि आजकल का मन थोड़ा स्मार्ट हो गया तो कहता है क्यों जी। आपको यह जवाब देना होता है कि आपको बाहर इसलिए नहीं जाना है क्योंकि आपका एक प्लानिंग बनी हुई है, आपकी स्ट्रेटजी बनी हुई है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो टाइम टेबल है उसके टाइम टेबल के हिसाब से आपको पढ़ना है। और ये जो टाइम है ये साहब ये साइंस पढ़ने का टाइम है और 5 से 6